हाँ बोलो बोलो। जो अभी कंपटीशन रहा हमारे जिम से काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से आधा सभी का मेडल है, और खासकर हमारी जो शैना मैम है जिन्होंने ओवरऑल भी जीता टाइटल अपने ही मतलब मास्टर बेट कैटेगरी में, तो पहले हम उनको ही मेडल देते हैं। शैना प्राश्मी ओवरऑल आया टाइटल, साधी मुझे मैं जैसा कि आप जानते हैं हमारे डेडलिफ्ट कंपटीशन हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसमें से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट गए थे ऑलमोस्ट सारे जीत के आए हैं, तो मैक्सिमम ने यानी कि ओवरऑल टाइटल भी लिया। जैसे कि फीमेल में हमारे शैना मैम ने ओवरऑल टाइटल लिया मास्टर कैटेगरी में, तो जूनियर में हमारी प्राश्मी ने ओवरऑल टाइटल लिया उसमें गर्ल्स में, ठीक है। बाकी जो लड़के हमारे जिन्होंने लगभग गोल्ड हैं कुछ, एक आधे सिल्वर है, एक आधा आपका ब्रोंज मेडल है, और लगभग 12 से 13 मेडल हमारे जिम के अपने आए हैं अकेले में। कंपटीशन कहाँ हुआ था ये? हमारा डिस्ट्रिक्ट रिवाज में हुआ जी, लखनऊ में रिवाज जो हमारा पहले से जहाँ ऑलरेडी बाकी में पहले भी हुए हैं फंक्शन टाइटल वहाँ ही होते हैं। तो बाकी जिम के कंपेरिजन हमारी जिम का तो हमेशा टॉप पर रहता है, तो इस टाइम में मतलब लगभग जो बाकी से डबल ही मेडल हुआ है। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर बंदा आए जो जिम के बारे में गलत सोच रखता है कि जिम जाके मिलेगा क्या, बेसिकली यह होता है कि जिम एक लाइफस्टाइल है, हमें अपने लाइफस्टाइल जैसे जीते हैं ऐसे जिम को मतलब उसी हिसाब से लेके चलना चाहिए। मान लो जैसे कि आप खाते हो पीते हो अपना काम करते हो, पर अपने शरीर के लिए क्या करते हो, यही मौका आपको एटलीस्ट आपको दिन का 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए देना चाहिए, क्योंकि काम तो सिर्फ आपकी बॉडी आएगी ना, बाकी पैसा या समथिंग वो तो टेम्प्रेरी है। शरीर अच्छा तो कम पैसों में आप अच्छा सर्वाइव कर सकते हो। और जी ये एक कंपटीशन सर लखनपुर में था, मैं पहले भी 1-2 बार पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, तो मैं पिछले 2-2.5 सालों से जिम कर रही हूँ और माय लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड। मैं इससे पहले जब मैंने जिम स्टार्ट किया था कोरोना के टाइम पीरियड के बाद, आई वॉज 94 kgs एंड नाउ आई एम 74 kgs। तो मैं परहेज तो कर ही रही हूँ लेकिन साथ साथ हर चीज़ को इन्जॉय भी कर रही हूँ। और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ स्पेशली उन औरतों के लिए, मिडिल एज्ड औरतों के लिए, कि अपने लिए जियो। लाइफ जो है वो एक ही बार मिलती है, उसको अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर 35 लेडीज़ छोड़ देती हैं कि बस बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हस्बैंड सब के लिए जीना है, अपनी ख्वाहिशें सब मार देती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छी से अपने लिए जी पाओगे, अपनी चाहतों को पूरा करके जी पाओगे, देन यू कैन डू बेटर। आप उससे भी अच्छा कर सकते हो, अपने पूरे परिवार के लिए अच्छा कर सकते हो। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, उन लोगों को मैसेज दूंगी, क्योंकि कोई कह रहा था
कि शायना मैम को जिम की क्या ज़रूरत है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिम की जो ज़रूरत, सिर्फ जिम की नहीं, वर्कआउट आप घर पे रहकर भी कर सकते हो, आप कैसे भी अपने आप को फिट रखो, इट गिव्स यू वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स इन योर लाइफ एंड जिम इज नॉट अ फैशन, इट इज़ अ पैशन। ये सबसे पहले तो मैं बालाजी फिटनेस के जो ओनर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी कहूँगा जिशोर जी, उनको मुबारकबाद देता हूँ, और उनके जो ट्रेनर्स हैं अमीर, जो मैं कहूँगा मास्टर ट्रेनर कह लो या एडवाइज़र कह लो शबील भैया, और उनकी पूरी टीम, इनको कॉन्ग्रेट्स करूँगा कि परसों जो एक कम्पटिशन हुआ था लखनऊ रिवाज पैलेस में, जो डेड लिफ्ट चैम्पियनशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई थी, उसमें मैं देख रहा था इनके लगभग 13 से 14 बच्चों ने ये मेडल लिए हैं और मैक्सिमम बच्चों को गोल्ड आया है। और उसमें मैं देख रहा था कि हमारी जो फीमेल पार्टिसिपेंट थी उसमें वो भी 6-7 हमारी गर्ल्स ने, हमारी बहनों ने इसमें मेडल लिए हैं। बड़ी बहुत बड़ी बात है कि मैं देख रहा कि डेड लिफ्ट जब मैं कि मेरे को बोला कि जब इनॉग्रेशन में गया था कि उसको उठाओ, तो मेरे को डर लग रहा है कि कहीं इंजरी ना हो। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे जिम के इस फील्ड में सबसे जो खतरनाक जिसको एक्सरसाइज कहा गया था वो डेड लिफ्ट ही है, कि उसका नाम इसका डेड लिफ्ट है। तो बड़े इसमें एक्सपर्ट है, इस तरीके से इसको बड़े तरीके से पुल करना पड़ता है, क्योंकि आपका पूरा बॉडी का वेट और पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड इस पर डिपेंड करता है। तो उसमें बच्चों ने अच्छा पार्टिसिपेंट किया, तो मैं बालाजी के जिम के ओनर हैं या इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं सबको बधाई देता हूँ कि आप इतने अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रेन कर रहे हो, यहाँ पे बच्चों को एक्सपर्ट बना रहे हो, आप फिजिकल फिटनेस को लेकर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो कि आज के दौर में आप जो ड्रग्स के प्रति बच्चे जा रहे हैं, जहाँ अन्य अन्य फील्ड में जा रहे हैं, जहाँ केवल मोबाइल तक सीमित हैं, तो जिम भी एक बड़ा अच्छा माध्यम है अपने शरीर को फिट रखना, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना। तो मैं एक बार पुनः सब जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी बच्चों ने यहाँ मेडल हासिल किया और उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ, और यही आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे कठुआ के बच्चे कल को भारत को कल को कॉमनवेल्थ गेम में या ओलंपिक गेम्स में बच्चे हमारे लीड करें, यहाँ का रिव्यू रन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अच्छा फील होता है, वो बड़ी खुशी होती है और प्राउड फील होता है, क्योंकि जो सोच लेके हम लोग एक प्लेटफॉर्म हमने नौजवानों को दिया है कि पावर लिफ्टिंग यहाँ कठुआ में 23-24 सालों से चल रही है, सबसे सीनियर प्लेयर गारजीत भी, और हम एक साथ ही हमने स्टार्ट किया था। फिर बीच में काफ़ी एक लंबा गैप आया, फिर हमने नेशनल मेडल के बाद बतौर जनरल सेक्रेटरी 2017 से हम लोग लगातार सीटू भैया को प्रेजिडेंट बना के बहुत सारी, ये 10वीं चैंपियनशिप थी हमारी। तो इस चैंपियनशिप के लिए जो रजिस्ट्रेशन का काम होता है वो पिछले 6 सालों से बालाजी जिम में ही हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, वेइंग करते हैं, और बालाजी जिम का एक खास महत्व रहता है, हमारी इंपॉर्टेंस रहती है हमारी चैंपियनशिप में, कि यहाँ के ट्रेनर, यहाँ का सामान भी यूज़ होता है, यहाँ के ओनर यशोर जी और यहाँ के बहुत सारे प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो अभी हमने संडे को जो डेडलिफ्ट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज़ की थी रिवाज बैंकेट हॉल में, तो उसमें भी यहाँ बालाजी जिम के बहुत सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने आए थे, आज यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हमें यहाँ पे बुलाया, बड़ी खुशी होती है।